नमस्कार दोस्तों, आप लोग को नेहा क्रिस्पी फूड में स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जाने हैं देखिए चिकन की रेसिपी। उसके लिए हमने देखिए 10 केजी चिकन लिए हैं और इसको जो है हम अच्छी तरह से देखिए धो कर के इसको साफ कर रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से धोए हैं कि एकदम चिकन फ्रेश लग रही है। अब इसमें हम हल्दी मिला दे रहे हैं, हल्दी और नमक। इससे जो चिकन का ये जो फ्राई करेंगे तो उसमें बहुत मस्त कलर आती है। देख सकते हैं हल्दी नमक डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर रहे हैं। हल्का हल्का मटन चिकन लिए हैं, देखिए आधा मटन है, आधा से भी आधा। अब हम ऑयल में डाल दिए हैं, सरसों का ऑयल लिए, गर्म हो गया। इसमें हम चिकन फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई। देख सकते हैं आप लोग थोड़े थोड़े करके हम चिकन को डाल दे रहे हैं। देखिए चिकन इतना ही डालें, ज़्यादा डालने से ये मतलब अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएगी। जितना तेल था वहीं पे डाल दिया। अब इसको अंदर में डिप कर देते हैं तेल में। डिप करने के बाद देखिए हमारी चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। आते हैं आपको कि इतना चिकन है, उतना हम हल्का सा में हल्दी लगाए थे आपको दिखा दिए हैं। ये भी कितना फ्राई हो करके निकल चुका है। इतना चिकन आपको क्लोज से दिखा दे रहे हैं कि हम कितना फ्राई किए हैं, डीप फ्राई। इसको ज़्यादा हम मतलब खर नहीं किए, थोड़ा हल्का कच्चापन है। देख सकते हैं और चिकन हम डाल दिए हैं फ्राई हो रही है। अब इसको इसी तरह बीच बीच में हम फ्रेंड्स डिप में तेल में डिप कर दिए। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। हम इसी तरह छोड़ दिए। अब देखिए हमारे बर्तन पे निकाल ले रहे हैं, हल दूसरे बर्तन पे तेल गार के देखिए निकालने के बाद इसी प्रोसेस में सारे चिकन को हम फ्राई कर ले रहे हैं। सारी चिकन फ्राई होने के बाद हम आगे आपको दिखाते हैं। अब देखिए हम प्याज भूनने जा रहे हैं, वो ऑयल डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब देखिए लहसुन अदरक मिर्च है, अब प्याज काट लिए हैं, अब ऑयल डाल दिए, इसमें लहसुन डाल दिए हैं, मिर्ची डाल दिए हैं, अब इसमें कटी हुई प्याज डाल दी। करीब 2 केजी प्याज है, 10 किलो चिकन में 2 किलो प्याज। इसी तरह भून लेते हैं। हम आपको चिकन भी बीच बीच में दिखा देंगे कितना चिकन है। हम इसको देखिए जब तक ही सुनहरा ब्राउन न हो जाए इसको हम भूनते रहेंगे। इसका कलर थोड़ा देखिए चेंज हो चुका है। बीच बीच में इसको हम फ्राई कर रहे हैं। अब देखिए हम चूल्हे में खाना बना रहे हैं, आपको दिखा दिए हैं। अब देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है बिल्कुल, देख सकते हैं। फिर भी बीच बीच में इसको चला लेते हैं कि पक ना जाए। अब इसमें अदरक और लहसुन का हम पेस्ट डाल दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको और है डाल दे रहे हैं। करीबन आधा किलो लहसुन है 10 किलो चिकन में और 10 प्याज को हम मिक्स कर दी, मतलब मिक्सी में पीस लिए हैं। देखिए अब लहसुन का पेस्ट है जो, उसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। पकने ना लगे इसलिए इसको अच्छी तरह से चलाए। इसमें हम जीरा पाउडर डाल दिए हैं करीबन 250। इसमें थोड़ा लहसुन और कम है, थोड़ा सा और हम बीच में लहसुन दे देंगे पिसा हुआ। थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं फ्रेंड्स क्योंकि चिपकने लगी तो मसाले अंदर से।
थोड़ा पानी डालने के बाद इसको हम चला लेते हैं। देखिए थोड़ा सा लहसुन कम था, फिर से हम डाल दिए हैं। मसालों को फिर बीच बीच में फ्राई करते रहिए। अब इसमें हम देखिए तीखा आप कितना खाना पसंद करते हैं, आप ही अपने हिसाब से गुंडी मिर्च डालें। एक घर की पीसी हुई मिर्च है, इसलिए हम 25 ग्राम दिए हैं। अभी गोलकी पाउडर है, हम मसाले दिखा देते हैं आपको कितना अच्छी मतलब कलर आई है। इसमें हमें एक टमाटर डालनी है काट करके बड़े साइज की। अब इसमें हम कश्मीरी मिर्च डाल दिए ताकि टेस्ट इसका नहीं, इससे सिर्फ कलर आती है। और स्वाद अनुसार हम नमक डाल दिए हैं, टेस्ट अकॉर्डिंग आप नमक अपनी क्वांटिटी से ही डालें। इसमें हल्का सा हम पानी डाल दिए ताकि मसाले न चिपके। आप देखिए अच्छी तरह से इसको बीच बीच में फ्राई करके आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। मसाले फ्राई करते हुए करीबन 10 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी डाल दिए हैं। दस किलो चिकन में हम करीबन 2 लीटर पानी डाले हैं। अब इसमें उबाल आने के बाद इसमें हम देखिए चिकन जो फ्राई करके रखे थे वो डाल दे रहे हैं। के वो चिकन सारे डाल दे रहे हैं। देखिए अभी हल्का डाले, अभी और ला रहे हैं हम डालने के लिए, क्योंकि हम देखिए 2 गमले में रखे थे। देखिए फ्रेंड्स थोड़े थोड़ा करके हम सारे डाल देते हैं, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं ताकि गिर ना जाए। अब आधा होने के बाद हम पूरा डाल देते हैं। इसको देखिए अच्छी तरह से हम डिप डिप कर दिए हैं चिकन को ग्रेवी में। अब देखिए इसको छोलने की मदद से हम इसको डिप डिप कर दे रहे हैं। ताकि ग्रेवी जो है वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसको एक उबाल आने तक इसी तरह छोड़ देते हैं।